हाय, मैं हूं मुदसर खान और आप सबको मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली खेलिए पर पानी को थोड़ा बचाइए, क्योंकि हमारे देश में पानी की बहुत कमी है। सो हैप्पी होली। आज की बात करें, खास प्रोग्राम चल रहा है सब टीवी का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं देखिए कोरियोग्राफर हूँ, हर जगह जहाँ पर भी आता हूँ कोरियोग्राफी करता हूँ, सबको नचाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये खुशी के मौके पर सबको कोरियोग्राफ कर रहा हूँ होली का ये शो, और बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि सब टीवी मैंने समझता हूँ कि ऐसी फैमिली है, जो कि अलग 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 सीरियल्स हैं, लेकिन सब मिलके जब एक साथ करते हैं तो इतनी एक फैमिली की तरह होती है, और बहुत बहुत मिलजुल के सब सपोर्ट करते हैं और इसको मनाते हैं। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। यार हम बहुत मज़ा कर रहे हैं, ये होली खेल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि होली खेल रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आ रहा है। कौन से डांस नंबर हैं जो आप सिखा रहे हैं, किस किस को सिखा रहे हैं? देखिए मैं तो पूरे शो में जितने भी आप देख लेंगे कैरेक्टर्स हैं, फिलहाल बेसिक मेरे चार शोज़ हैं जो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ओपनिंग भी कर रहा हूँ जिसमें सारे शो एक साथ हैं। जैसे आप कह सकते हैं तारक मेहता है, और मैं बेसिकली जो कर रहा हूँ वो है चिड़ियाघर, वो तेरी भाभी है पगले, देन बड़ी दूर से आए हैं, एंड और कौन सा है, ये तीन कर रहा हूँ। और इसके बाद ओपनिंग कर रहा हूँ जिसमें सारे शोज़ एक साथ हैं, एकजुट हैं, और ओपनिंग है जिसमें सारे लोग एक साथ होली खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ गाने सारे होली के हैं, और उसमें नॉन होली के भी सॉन्ग हैं, बट बहुत सेलिब्रेशन के सॉन्ग्स हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। कलर कलर एवरीवेयर ऐसा लग रहा है। आपने सबसे फेवरेट गाना कौन सा जो आपको काफ़ी जी है, हर बार ही सोचते हैं कि इसको इस गाने पर भी एक डांस स्टेप किया जाए? देखिए बेसिकली होली है, तो मैं होली का कॉन्सेप्ट से अलग नहीं हो सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली या होली है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एनर्जेटिक सॉन्ग हो सकता है, जो कि है होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, वो गाना। और नए में हम देखेंगे तो वही बलम पिचकारी, बिकॉज बलम पिचकारी बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है। सो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है वो गाना कोरियोग्राफ करके मुझे। आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोग इस शो के अगर मैच कर रहे हैं? देखिए मेरी तो बहुत बड़ी टीम है, बट अभी फिलहाल मैं 8 लोगों को लाया हूँ, और मेरे 8 के 8 बहुत ही बहुत ही बहुत ही फाड़ू टीम मेम्बर्स हैं। गोविंद है, इलियास है, अभिश्री है, और सारे मेरे पूरी टीम है। तो वी आर वर्किंग हार्ड एंड आई एम श्योर के जब ये शो टीवी पर आएगा तो कलर के साथ साथ बहुत सारा डांस भी सबको देखने मिलेगा, तो बहुत धमाल होने वाला है। कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आर्टिस्ट को एक टीम में एक्ट करना और डांस करना बिल्कुल अलग है, मनुष्य के लिए बात करें कितनी तैयारी है कि आपने दिन रात उसके बारे में बताया? देखिए सब टीवी एक ऐसा शो है जहाँ पर आपको कॉमेडी भी लाना है, आपको फैमिली भी दिखाना है, यूनिटी भी दिखाना है डांस के साथ साथ, तो वो हमने बहुत नज़र में रखा। सबसे पहले जब हमको पता चला कि हम सब टीवी के लिए कर रहे हैं, तो हमने सारे शोज़ प्रॉपर देखे जाकर, और फिर से हम देखते ही हैं, बट फिर से हमने देखे, एक एक कैरेक्टर को समझा, एक एक कैरेक्टर के स्टेप्स कैसे निकाले, किस तरह फन और किस तरह वो मोमेंट आए, हैप्पीनेस आए। तो आई थिंक वो देखने के बाद हमने बहुत ही सोच समझ के कोरियोग्राफ किया, और सारे एक्टर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसको।